Hello beautiful people out there, this is your boy Shubh Sapik, this is doing absolutely fine and welcome back to the channel. Now before the video starts, ek chota sa intro karte hai pehle, hai na? Presenting the intro on your screen in 3, 2, 1. तो यार एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, आई डोंट नो आप लोगों के लिए है या नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो. सो आई लेट यू गाइज नो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वो चीज़ क्या है, पर अभी जिस चीज़ के लिए मतलब लाइक इस वीडियो पे क्लिक किया है वो बता देता हूँ उसके बारे में, देन वील टॉक अबाउट क्या वो चीज़ लाइक हुई है मेरे साथ अभी रिसेंटली. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई शॉट दिस कमर्शियल. सबसे पहली चीज़, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का यूज़ करा है पूरे कमर्शियल के लिए, जस्ट वन प्रॉप एंड ग्रीन स्क्रीन एंड यू आर गुड टू गो. अब मैं बताता हूँ करा क्या मैंने. बेसिकली मैंने इस चीज़ को यूज़ करा लाइक इंडिविजुअली मैंने इस पर कैंस प्लेस करे, अलग अलग फ्लेवर्स के जो कैंस थे मैंने उनको प्लेस करा, पीछे ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से लिट करा, एंड व्हाट आई डिड इज दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट. मैंने सिर्फ मतलब इंडिविजुअली मैंने इस पर एक एक कैंस रखे और मैंने बस ऐसे करा, वो कैन घूमते जा रहा था. मैंने उसको 4K 60fps पे शूट करा और पूरा का पूरा काम मैंने एडिटिंग में करा है. सच बताऊँ तो मैंने लाइक ऐसे कुछ फिजिकली कुछ खास शूट नहीं किया, इट्स जस्ट दैट मैंने इस चीज़ को यूज़ करा है बस. सो इफ़ यू गैस नो, आई इसके इससे पहले मैंने बेसिकली एक नेस्कैफे का कॉफ़ी कमर्शियल बनाया था, और जब मैं उसके लिए कॉफ़ी बीन्स वगैरह परचेज करने गया था अपने फ्रेंड के साथ, सो मुझे वहाँ पे मॉन्स्टर के काफ़ी सारे कैंस देखे. सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, अभी ले लेते हैं, देखेंगे कुछ बनता है या नहीं. वो मैंने कैंस लिए, उसके बाद मैंने नेस्कैफे का काम ख़त्म करा और एक हफ्ते तक मैं खाली बैठा रहा. मेरे को कोई आइडिया ही स्ट्राइक नहीं कर रहा था उस कमर्शियल के लिए. फिर एकदम से मतलब मैंने लाइक पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ये आइडिया आया. बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी देखा था ये चीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक वाला रोटेटर बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे. सो मैंने सोचा कि लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट, क्या देखते हैं क्या आता है बेसिकली इससे निकल के. सो अब सीधी सी बात, इट्स वेरी एक्सपेंसिव अगर मैं मार्केट में एक रोटेटर लेने निकलता हूँ और बेसिकली सिर्फ एक कमर्शियल के लिए मैं 50-60 हज़ार रुपये खर्च करना इज़ नॉट अ गुड डील, यू नो. सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने अपने फ्रेंड से बात करके, ये बेसिकली बेकरी में यूज़ होता है अगर आपको आइडिया हो तो, ये केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसको. सो व्हाट आई डिड इज मैंने इसको, ये सेकंड हैंड था बेसिकली, 500 रुपए मेरे फ्रेंड ने मेरे को ये भिजवा दिया पता नहीं कहाँ से लेके, एंड मैंने इस पे इंडिविजुअली लाइक एक एक कैन रखे और पीछे ग्रीन स्क्रीन को अच्छे से लिट करा, एंड देन आई फिल्म्ड ईच कैन सेपरेटली. और उसके बाद एडिटिंग का रोल था सारा, मतलब बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ एक शॉट लिया था रोटेट करते हुए कैंस को और मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो पूरा कमर्शियल सिर्फ उसी के बेसिस पे बना है. सो बेसिकली जो पोरिंग वाले शॉट्स थे और जिसमें बेसिकली जो मेरा जार था, जार के अंदर जो एनर्जी ड्रिंक डाल रहा था मैं, वो सारे शॉट्स थे, वो बहुत ही सिंपल थे, कोई भी देख के बता सकता है कि कैसे लिया हुआ. मैं बाकी शॉट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी शॉट्स में मैंने सिर्फ एक सिंगल शॉट से इतने सारे शॉट्स बनाए हैं. बेसिकली सारा एडिटिंग का काम था, थोड़ा सा मॉन्स्टर के उसको एक शॉट में हाईलाइट कर दिया, मॉन्स्टर की ब्रांडिंग को हाईलाइट कर दिया, थोड़े से लाइक शॉट्स में कैंस अच्छे से रोटेट करते हुए दिखा दिए, बेसिकली लास्ट वाले शॉट में ऐसे दिखा दिए कि कैंस एकदम से पीछे से आगे आ रहे हैं. सो बहुत मतलब बहुत यू नो यू कैन प्ले अ लॉट इन एडिटिंग. और ये कमर्शियल बनाते बनाते मैंने मतलब रियलाइज़ करा कि आप एडिटिंग में बहुत कुछ लाइक पूरा सीन ही चेंज कर सकते हो. बेसिकली मेरा कुछ और प्लान था पहले, मैंने कुछ और लाइक प्लान करके ये चीज़ बनाई थी. धीरे धीरे जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम में मेरा प्लान कुछ और था कि बैकग्राउंड कुछ और होगा और यू नो एनिमेशंस कुछ और होंगी, कुछ अलग तरीके से इसको बनाऊंगा. बट वो करते 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 चेंजेस उसमें मैं करता गया, एंड में मैंने म्यूज़िक चेंज कर दिया पूरा, एंड में मैंने पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया. सो तुम देख सकते हो कि हर चीज़ मतलब प्री प्लान्ड होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने भी कुछ चीज़ें प्लान करी थी बट वो वैसी गई नहीं, सो मैंने एडिटिंग के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस अपने कमर्शियल में कर दिए. दैट लुक्ड वेरी अमेजिंग, ट्रस्ट मी. मेरा जो पहले वाला प्लान था, पहले वाला म्यूज़िक था, वो बहुत अच्छा था, बट मैं फिर भी उससे सेटिस्फाई नहीं था. यू नो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, अगर आप अपने काम से खुद सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीबडी टू यू नो टू लाइक योर वर्क. अगर आप मैं उसको बेसिकली अगर इससे पहले वाला जो मैंने प्लान किया था वो लेके मैं डाल देता, शायद वो लोगों को पसंद भी आता, बट जब मुझे अंदर से वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है, सो देर इज़ नो पॉइंट इन अपलोडिंग दैट. सो व्हाट आई डिड इज़ मैंने 2 दिन और लिए, मैंने उसका पूरा म्यूज़िक चेंज करा, मैंने पूरा उसका बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज करा, और वी गॉट द कमर्शियल लाइक दिस अभी जो आप देख चुके हो बेसिकली पीछे.
इट्स नॉट अबाउट यू नो प्री प्लानिंग. हमेशा सब बोलते हैं कि प्री प्लान करके चलो. प्री प्लानिंग इज अ गुड थिंग बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हर चीज़ प्री प्लान करो वो वैसे वैसे ही जाए और वैसे वैसे ही आउटपुट निकल के आपके पास आए. कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लाइक यू नो शूट करते टाइम कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ हो जाता है बेसिकली, जिससे कि जो फाइनल आउटपुट है वो वैसा आ नहीं पाता जैसे एक्सपेक्ट किया होता. सो एडिटिंग में आप काफ़ी हद तक मतलब यू नो पूरा एक सीन चेंज कर सकते हो, पूरे लाइक जो आपने शूट करा उसको अल्टीमेटली पूरा चेंज कर सकते हो. बहुत सारे चेंजेस उसमें लगा सकते हो, कलर ग्रेडिंग के थ्रू बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, यू नो की फ्रेम्स के साथ प्ले कर सकते हो, पूरा उसको एक टोटली डिफरेंट फील दे सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना यू नो कितना आप इनपुट दे सकते हो उसमें, एडिटिंग में कितना टाइम लगा सकते हो. टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं अगर सच बताऊँ तो ये 12-13 सेकंड का मतलब जो भी ये 12-13 सेकंड से कमर्शियल मैं बना रहा हूँ, ये दिखने में 12-13 सेकंड के लगते हैं बट इसके पीछे इतने आइडियाज़ लगते हैं, इतना दिमाग लगता है. मतलब जस्ट टू गिव इट अ यू नो प्रोफेशनल लुक, मैं रात रात को बैठ के कैंस को तरीके से यू नो मास्क आउट करता हूँ एक एक फ्रेम बाय फ्रेम. अब बहुत लोगों के लिए वो चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट होगी बट ट्रस्ट मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है. मैं ये छोटी छोटी चीज़ों का इतना ज़्यादा ध्यान रखने का ट्राई करता हूँ सो दैट यू नो जो फाइनल आउटपुट है उसमें कोई भी कमी ना आए. बेसिकली कोई अगले बंदे को कुछ कमी लग रही है दैट डजंट मैटर टू मी, टू बी रियली ऑनेस्ट. मैं बस अपनी तरफ से हर चीज़ परफेक्ट ट्राई करता हूँ करने की. सो बेसिकली मैं हर एक कैन को मैंने सेपरेटली यू नो मास्क आउट करा है. हर एक कैन पे मैंने कलर ग्रेडिंग को बहुत अच्छे से एनालाइज करके कलर ग्रेडिंग में यू नो दो तीन ऑप्शंस निकाल के उसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है. बेसिकली मैंने सेम शॉट को दो तीन बार यू नो अलग अलग स्टाइल से कलर ग्रेड करके फिर दोनों तीनों को बेसिकली कंपेयर करके उसके बाद मैं यू नो फाइनल चीज़ लेके जो है मेरी वीडियो में डालता हूँ कि ये कलर ग्रेड अच्छा लग रहा है. मैं उसको पूरा यू नो मॉनिटर करता हूँ कि 4K मॉनिटर में वो कैसा लग रहा है, 1080p मॉनिटर में वो कैसा लग रहा है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, टीवी में कैसे कलर्स आ रहे हैं, फ़ोन में देख रहा हूँ तो कैसे कलर्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं देखने के बाद ही वो चीज़ यू नो एक्सपोर्ट करता हूँ. अब ये चीज़ हो सकता है बहुत लोगों के लिए मैटर ना करती हो पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है. मैं अगर एक 10 सेकंड की भी चीज़ बना रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से इतना ट्राई करता हूँ कि मैं उसको बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट मैं निकाल पाऊँ उस चीज़ से. अब यार मैं सीक्रेट बता चुका हूँ, इसके पीछे मैंने कुछ भी नहीं करा पूरे वीडियो में. मैंने सिर्फ वो रोटेटर पे बेसिकली उसको घुमा के अलग अलग कैंस के शॉट लिए, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करा, मास्किंग यूज़ करी, की फ्रेम्स यूज़ करे, दैट्स इट. अब वो टोटली बेसिकली क्या होता है देखो आपके ऊपर है आप उस चीज़ को कैसे एडिट करते हो. मैं उसको हो सकता था मैं रोटेट करके कुछ निकाल देता, हो सकता है मैं बैकग्राउंड पूरा चेंज करके कुछ ऐसा दिखा देता कि कैन कहीं पड़ा हुआ है बेसिकली कोई पी रहा है उसको या उसमें से यू नो लिक्विड बाहर आ रहा है. तो वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने क्रिएटिव हो उस चीज़ को लेके. मैं बस इतना बताना चाहता था कि इस पूरे कमर्शियल में मैंने सिर्फ एक शॉट का यूज़ करा है टू बी रियली ऑनेस्ट और वो शॉट मेरा मतलब पूरे उस शॉट ने बेसिकली पूरे कमर्शियल को बना दिया मेरे 12-13 सेकंड का जो भी वो कमर्शियल था पूरा कमर्शियल बन गया. ऑल्सो जस्ट वन थिंग टू कीप इन माइंड यार, जितना ट्राई कर सकते हो उतना ज़्यादा मैनुअल फोकस पे शूट करना एक वीडियो को, एक कमर्शियल वीडियो को स्पेसिफिकली, बिकॉज मैनुअल फोकस में जो है वो आपका फोकस शिफ्ट नहीं करता है और ऑटो में बेसिकली जब आपका कैन रोटेट करेगा, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कैन रखा और कैन रोटेट कर रहा है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कैमरा अलग अलग पार्ट्स को बेसिकली फ्रेम के अलग अलग पार्ट्स को फोकस में लेके बार बार ट्राई कर सकता है, वो फोकस शिफ्ट कर सकता है बार बार ही. सो ट्राई कि एक ट्राईपॉड पे कैमरा फिक्स करके मैनुअल फोकस पे शॉट लो ताकि जो आपका कैन है वो ही हमेशा फोकस में रहे और कोई चीज़ में यू नो फोकस शिफ्ट ना करे. ठीक है, तो गुड न्यूज़ ये है कि जब मैंने ये मॉन्स्टर वाला वीडियो डाला बहुत ही कम व्यूज़ थे इस पर. सडनली शाम को मुझे मैसेज आता है मॉन्स्टर के रीजनल मैनेजर का, ही रीच्ड आउट टू मी एनी सेट कि उनको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो पढ़ के मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि यार उन्होंने वीडियो देख लिया और उनको वीडियो पसंद भी आया. और जाहिर सी बात है अगर उनका मैसेज आया तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा. सो बेसिकली हुआ क्या कि ही आस्क्ड मी आउट दैट इफ़ आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो मॉन्स्टर्स टीम एंड आई सेड आई वुड लव टू. देन वी एक्सचेंज आर नंबर्स, हमारी व्हाट्सएप पे कुछ बातें हुई लाइक व्हाट दे वांट फ्रॉम मी एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम देम लाइक इन रिटर्न, मतलब ये सारे डिस्कशंस हुए. देन वी हैड अ वर्ड ऑन कॉल, कॉल पे हमारी बात हुई आधा घंटा, हमने लाइक बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी साथ में और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था इस चीज़ को लेके. मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई प्लान नहीं कुछ नहीं, मज़े मज़े में मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया. सच में कोई भी प्लान नहीं था इसको बनाने का, कुछ नहीं था, मतलब बस ऐसे था कि हाँ चलो बन रहा है बन जाएगा, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ऐसे लेके डाल दिया बस, सच बता रहा हूँ मैं. और फिर वो देख ली और मतलब मैंने ये रियलाइज़ करा कि यू नेवर नो हु इज़ वॉचिंग योर वीडियोस. लाइक सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज़ है, आपको नहीं पता कि कौन आपकी वीडियोस देख रहा है. सो यू नो जस्ट कीप ऑन अपलोडिंग योर वर्क, कीप ऑन यू नो इम्प्रूविंग, कीप ऑन पोस्टिंग कॉन्टेंट. क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा मतलब खुशी हुई थी मुझे ये चीज़. लाइक पहला ही ब्रांड मेरा इतना अच्छा निकल गया, लाइक स्पॉन्सर कर दिया मुझे मॉन्स्टर ने. एंड मतलब अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होंगी आगे इन फ्यूचर.
पर ठीक है, इट्स अ गुड स्टार्ट, मॉन्स्टर से एक अच्छा स्टार्ट मिल गया, एक पुश मिल गया, दैट इज़ अ गुड थिंग। अभी और वीडियोस बनाने पड़ेंगे और अच्छा कंटेंट यू नो अपलोड करना पड़ेगा ताकि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो मतलब सामने से उनको लाइक काम अच्छा लगे एंड दे रीच आउट टू मी एंड जस्ट यू नो दे हायर मी। अब सबसे बड़ी चीज़ ना सोशल मीडिया की ये कि यार आपको पता नहीं है आपकी वीडियोस कौन देख रहा है। मैं खुद पता नहीं कितने लोगों की वीडियोस देख लेता हूँ, उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने उनकी वीडियो देख ली। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस पता नहीं कौन कौन देखता होगा, आई हैव नो आइडिया कौन देखता होगा। पर सच बता रहा हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि इट वॉज़ नॉट अप टू द मार्क टू बी रियली ऑनेस्ट। मतलब जो मुझे चाहिए था उतना अच्छा ये वीडियो बना नहीं था, बट उन लोगों को पसंद आया एंड यू नो लाइक अगर ब्रांड को खुद पसंद आ रहा है तो उसमें गलत क्या है फिर, लाइक इट्स अ गुड थिंग। सो या अभी मतलब प्लान ये है कि और कमर्शियल्स बनाएंगे और मैं लाइक थोड़े व्लॉग्स वगैरह भी सोच रहा हूँ, लाइक नॉट एक्चुअली व्लॉग्स, लाइक सिनेमैटिक व्लॉग्स वगैरह प्लान कर रहा हूँ। सो जस्ट यू नो जस्ट मेक श्योर यू आर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन बिफोर लीविंग सो दैट यू नो यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय साइड। ऑल्सो यार ये जाने से पहले लाइक बटन ज़रूर दबा देना, बिकॉज दबा देना मतलब क्या इसमें कुछ बड़ा काम है नहीं, जस्ट यू जस्ट हैव टू यू नो हिट दैट लाइक बटन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब कर देना मत भूलना, बार बार ये चीज़ मत भूलवाया करो। बाय।